चेक कर गया, जड़ भी लेने के लिए कितनी सारी लाइन है, ये चेक करो भाई। कलयुग सच में आ गया भाई, कोई डॉगी वगैरह नहीं है ना, वरना निमित काट कुट लेगा भाई। हम साल में एक ही बार यहाँ पर आते हैं, आसपास के गांव में भी गाइस, हमारे गांव की अड़ी है जो वो फेमस है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैम से, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। गाइस ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज सुबह सुबह 6 बजने का है, 6:45 हुआ है। तो गाइस स्टार्ट हो रहा है ब्लॉग हमारा, एंड चलता है गाइस हम सके तो डेली रूटीन हमारा फॉलो करने, फॉलो चलते। थोड़ी ठंडी है तो पहनना जरूरी है स्वेटर। ओके रेडी, लेट्स गो। तो चलते हैं गाइस, लेट्स गो। हमारी S1000 आ रहा है लेकर, लेट्स गो। क्या है भाई, कहता था नहीं किया लड़के तो नमस्ते मेर के पुष्प, ओम नमः शिवाय, कनेर के पुष्प मिल गए हमें। चलते हैं, वैसे आगे लाइटें सारी बंद है, पता नहीं क्यों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महादेव। चलते हैं, लेट्स गो। आज तो सारी लाइटें बने भाई। ओम नमः शिवाय, 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 जय शिव, ओम नमः शिवाय, महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैसे बॉयज, हो गई थी सुबह, सूर्य देवता निकल गए थे फाइनली, एंड हम लोग चल रहे अब घर रिटर्न वापस। तो चलते हैं वैसे, ओम नमः शिवाय। गाइस ठंडिया धीरे धीरे कम हो रही है, बट सुबह होती है थोड़ी, दोपहर का तो गर्मी है गाइस, गर्मी लगती है दोपहर तो भाई, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई, ठंडी कभी गर्मी, पता नहीं चला क्या है, कभी बारिश भी होती है भाई। कलयुग सच में आ गया। ओके सो बॉयज, चलते हैं, लेट्स गो। तो फाइनली आ गए थे घर, एंड गाइस टोपी पहनने के बाद आपको पता ही है क्या हेयर स्टाइल हो जाती है। एंड दादी और दादा फिलहाल मस्त चाय नाश्ता हमारी रेडी कर रहे हैं, मस्त चाय नाश्ता गाइस, चाय नाश्ता तैयार है, मस्त चाय नाश्ता गाइस, थेपला और चाय तो कर लेते बस, चाय नाश्ता गाइस। अभी चलते हैं दादी को सब्जी लेने जाए तो बाजार चल के आते हैं, लेट्स गो। हेलो गॉड, क्या खा रही हो भाई? छोटे बछड़े प्यारे, हेलो बछड़े, ओम नमः शिवाय, नज़दीक जा रहा हूँ तो चले जाते भाई, चलते हैं, लेट्स गो। हाँ तो गाइज वैसे पहुँच गए थे बाजार, दादी का सब्जी वगैरह लेना। एंड गाइज आज तो मुझे हेयर वॉश करना है यार, बाल कितने ख़राब हो गए, चलो आज जाके हेयर वॉश करते हैं, एंड और भी काम है, लेट ना हो जाए आज गाइज, बहुत सारे काम है थोड़े दिनों से, काम ही काम, 25 काम, और फिर जॉब भी जाना है हमें यार। ओके सो फाइनली गाइज हम लोग घर आ गए थे, एंड दादी ने मस्त खाना भी रेडी कर दिया, तो आज बना गाइज मिक्स सब्जी रोटी एंड भजिया लाए दादा कुछ, तो खाए थे मस्त खाना, गर्मा गर्म दादी रोटी बना कर दे रहे हैं हमेशा की तरह। फाइनली खाना खा लिया था, एंड अब चलते हैं जॉब। वैसे शाम को हम कुछ नया एक्सप्लोर करने वाले हैं, कुछ नया मतलब नई जगह, कुछ देखते हैं क्या सीन सुन रहता है। वैसे मुझे आज कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है यार, बुखार जैसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। चलते हैं लेट्स गो, वैसे देखते हैं शाम को, ओम नमः शिवाय। सो बॉयज फाइनली हो गई थी शाम, एंड अपनी जॉब ख़त्म करके मैं आ गया था घर यार, एंड बहुत ही गाइज मुश्किल होता है आजकल जॉब में गाइज, मन नहीं लगता पता नहीं क्यों, शायद 2 दिन में बाहर जाके आया इसलिए, बहुत ही बोरिंग सा लग रहा था आज तो। तो फाइनली आ गया घर, एंड हम लोग जा रहे कई बार गाइस देख नए प्लेस पर, नया दादी का माला कर रहे हैं अभी।
शाम को पानी आता है भाई हमारे यहाँ, तो दादा पानी वगैरह पर रहे हैं। तो हम लोग चलते गए इस एक नए नई जगह पे, हाँ एक नई लोकेशन पे चलते हैं यार, लेट्स गो। मैं आपको ले जाता हूँ गाइस, मैं अभी कहीं मतलब एक साल तो हो गया होगा तब जा रहा हूँ, बहुत कम जाते हैं वहाँ पर लोग गाइस। हम लोग मतलब जब मेला मेला होता है गाइस गांव का, मतलब सबसे बड़ा मेला कह सकते हैं, वहाँ पर ही होता है सबसे बड़ा मेला, साल में एक बार ही होता है। एक टेम्पल है मस्त माँ खोड़िया का, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, तो चलते गाइस लेट्स गो। थोड़ा दूर है तो अपनी हायर वीज़ा लेकर चलते, बहुत ही भीड़ भाड़ हो रही है, ज़्यादा सूट नहीं कर सकते यार। बॉयज फाइनली पहुँच गए थे हम खोड़िया माँ के टेम्पल गाइस, ये टेम्पल यहाँ पर आज मतलब कोई होता नहीं ज़्यादा, यहाँ गाइस मेला लगा हुआ होता है, हमारे गाँव का सबसे बड़ा मतलब मेला होता है इस वाले मैदान में। तो चलते हैं अंदर, फिलहाल टेम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा बहुत, काफ़ी टाइम बाद आया मैं वैसे। भाई कोई डॉगी वगैरह नहीं है ना, वरना निमित काट कूट लेगा भाई। नहीं भाई, जय मामारी खोरियन माँ, जय माता दी। फाइनली मस्त दर्शन हो गए थे माँ खोड़ियार माँ के। तो जैसे कुछ ये ऐसा लोकेशन है गाइस, बड़ा अच्छा लगा आके। और मेले वाले दिन गाइस काफ़ी सारी भीड़ होती है मेले के दिन, वो साल में एक ही बार आता है। हम इस बार ही गाइस पता नहीं कहाँ थे तो इस बार ही नहीं आ पाए, बट बहुत ही मस्त मेला होता है हमारे गाँव का, काफ़ी बड़ा होता है वैसे। एक बार आएंगे गाइस, एक्सप्लोर करेंगे मेला भी, इस वाले बड़े से मैदान में मेला लगता है। नहीं माता रानी के मस्त दर्शन हो गए फाइनली, कितने दिनों बाद, एक साल तो हो ही गया होगा, एक साल ऊपर हो गया भाई। हम साल में एक ही बार यहाँ पर आते हैं, बिकॉज थोड़ा दूर है हमारे गांव के लास्ट में मतलब वो होता है। ओके तो चलते गाइस लेट्स गो। से गाइस मैं थोड़ा आगे की ओर आ था, यहाँ पर इस वाले मैदान में लगा हुआ होता है मतलब लगा होता है मेला मेला भाई। ऐसे कुछ खास लोकेशन नहीं है ज़्यादा, बट चलते गाइस घर, और क्या मेले के दिन ही मज़ा आता है। बट कोई नहीं, माता रानी के मस्त दर्शन तो हो गए कितने टाइम बाद फाइनली, तो चलते हैं अब घर, यहाँ पर लगा होता है मेला। वैसे फाइनली खोड़ियार टेम्पल जाकर हम लोग आ गए थे घर वापस, दादी को सीरियल देखना था तो टीवी का वायर इधर उधर हो गया था भाई चैनल का, तो ठीक किया तो चालू किया टीवी, अभी एक दिक्कत हो गई है गाइस, चाकू नहीं मिल रहा, दादी को चाकू नहीं मिल रहा, दादा और दादी दोनों ढूंढ रहे हैं, काम रख दिया चाकू पर, चाकू 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 ये तो रहे। दादा ने तिजोरी में से बिस्किट निकाल के लिया, तिजोरी के अंदर खजाना है दादा का गाय, मतलब कई सारा खाने का सामान है अलग अलग, टेस्टी था वैसे। ऑडी विलियन है हमारे गांव की गाइस मतलब फेवरेट जो चीज़ है खाने की, वो हम लेने जा रहे हैं गाइस, चना के लोट से और पत्तों से बनती है मस्त, एंड काफ़ी कुछ होता है मतलब उसमें, तो मैं आपको ले चलता हूँ गाइस हमारे गांव की फेमस, और आसपास के गांव में भी गाइस हमारे गांव की अड़वी है जो वो फेमस है, पता नहीं आप किस नाम से आप भी जानते होंगे, बट अलग अलग नाम से सब पहचानते हैं, तो हाँ अलग अलग जगह, तो चलते हैं वैसे मैं आपको दिखाता हूँ आप पहचान जाओगे, और हम थोड़ी डिफरेंट टाइप की मतलब खाते हैं, तो देखते हैं चलते हैं आपको दिखाता हूँ यार, जो हमारे गांव में है उसको तो पता ही होगा वैसे, लेट्स गो। ये चेक कर गए जड़वी लेने के लिए कितनी सारी लाइन है, ये चेक करो भाई ट्रैफिक गाइस, वेटिंग यहाँ पर भी वेटिंग। Thank you.
ओके सो भाई फाइनली बड़ी लाइन में खड़े रहने के बाद बहुत देर बाद फाइनली मिल गई है अडवी हमें। कई बन गए 15-20 मिनट खड़ा रहना पड़ा, इतनी लंबी लाइन लगती है भाई, बहुत ही फेमस है यार। आसपास के गांव के सभी लोग गाइस लेने आते हैं और हमारे गांव में भी भाई शाम को यही खाते हैं अडवी, तो मस्त लेकर आए अडवी। हेलो बहू कैसे हो, हेलो कबूतर हो क्या करे हो भाई। सॉरी गाइस मैं आ गया था ऊपर एंड नेचर का व्यू लेने, सनसेट व्यू लेने, बट सनसेट गाइस कहीं पे छुप गया है, सन कहीं पे छुप गया भाई। गाइस आप अगर पीस लेना चाहते हो तो आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपको सुनाता हूँ आवाज़ पीसफुली गांव की हमारे। 1 2 3 एंड गो। कैसा लगा पीस लेकर, मस्त अच्छा लगा ना, जिन्हें पता है इन्हें पता है गाइस, जानते हैं वो जानते हैं पीस का मतलब क्या होता है, मतलब पीस लेना कितना अच्छा होता है यार। कुछ ज़्यादा ही बकवास नहीं कर रहा आज मैं वैसा, बट जो भी है पता नहीं क्यों। ओके सो हमारा खाना रेडी हो गया, तो आज बना गाइस मिक्स सब्जी है एंड ये है अडवी गाइस। आप लोग अलग अलग ये नाम से बुलाते होंगे, कुछ लोग पात्रा कहते हैं, कुछ लोग गाइस पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हम तो अडवी कहते हैं। मस्त गाइस फ्राई कर मतलब ओके, तो खा लेते गाइस मस्त खाना हमारा आज का, रोटी खिचड़ी मिक्स सब्जी अडवी। फाइनली मस्त खाना हमारा हो गया था एंड इस बार ब्लॉग को यही पे ही करते हैं एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा गाइस। पसंद आया तो लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर लेना बिकॉज एक सब्सक्राइब आप जानते हो कितना सारा मोटिवेशन मिलता है हमें, कितना मोटिवेट मिलता है, मतलब मोटिवेट होता हूँ मैं तो। हाँ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना यार, रातों रात 1 मिलियन करवा दो। थैंक यू, स्टे सेफ एंड बाय बाय।